जया बच्चन समाजवादी पार्टी की कट्टर मेंबर हैं। ये पार्टी कुछ भी गलत कर ले, कितने भी अनाप शनाप बयान दे दे, जैसे मुलायम सिंह ने बयान दिया था कि लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, रेप वाली घटना की। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उस पर जया बच्चन कभी आवाज नहीं उठाती हैं। लेकिन दूसरों के ऊपर, दूसरी पार्टियों के ऊपर थाली में छेद जैसा बयान देती हैं। और कभी कभी तो लेटेस्ट अभी ये है कि श्राप देना भी शुरू किया है, लेकिन इनका श्राप घूम फिर कर इन्हीं के फैमिली पर लगता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की रेड चालू हो गई। अब इनके जो पति हैं अमिताभ बच्चन, ये तो वैसे बीजेपी पार्टी के काफी करीब हैं, खुलकर तो नहीं है कि भाई ये रजिस्टर्ड मेंबर हैं या कोई राज्यसभा के मेंबर हैं या सांसद हैं या जो भी हैं, ये नहीं है। लेकिन मोदी जी के काफी करीब हैं, प्रचार वगैरह किया करते हैं। अब ये खबर सुनने में आ रही है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि ये खबर झूठी है। कैसे झूठी है वो सुनिए। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट लिखा था। पोस्ट क्या लिखा था, स्याही की तासीर का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज बनती है, और उंगली पर लग जाए तो सरकारें बदलती है। फिर इसके बाद लिखा है EFSPGIN। अब इसमें यही जो लिखा हुआ था EFSPGIN, इसे देखकर एक समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार उभरते हुए क्रांतिकारी, उनका नाम भी क्रांतिकारी यादव ही है, तो ये क्या लिखते हैं कि धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब देखिए ये इनकी गलती नहीं है, एसपी का ये मतलब ही नहीं निकाल पाए, आगे बताता हूं क्या है। लेकिन इनकी पार्टी के जो कर्ता धरता हैं अखिलेश यादव, ये भैया ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि वर्चुअल रैली क्या होती है। हालांकि ये जानबूझकर बेवकूफ बन रहे थे वर्चुअल रैली के नाम पर, इन्हें पता होगा, लेकिन इन्हें कुछ बहाना ही नहीं मिला। ये इसलिए ऐसा बोल गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर कोरोना के नियमों को तोड़ने को लेकर कोई पाबंदी ना लगा दे, तो ये इन्होंने कहा। तो अमिताभ बच्चन ने रिप्लाई किया कि तो अमिताभ बच्चन ने रिप्लाई किया उन क्रांतिकारी सुधीर यादव को, अरे भाई साहब, EFSP जिन, यानी जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, उसका नाम है EF, हमारे ब्लॉक का सदस्य यानी एक्सटेंडेड फैमिली, और SP जिन मतलब सुरेंद्र प्रताप जिंदल को लिखा है, जो विद इन कोर्ट्स है उसके बाद है, यानी ये किसी और का है और जिसने भेजा उसका नाम नीचे दिया गया। बताओ, ऐसे ऐसे समर्थक हैं ऐसी ऐसी पार्टियों के, जो उम्मीद करते हैं कि इनकी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, अमिताभ बच्चन को कमेंट में आकर रिप्लाई देना पड़ रहा है कि नहीं भाई, मैं समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की है। शायद अमिताभ बच्चन भी डर गए होंगे कि यार अभी अभी एक ताजा ताजा रेड मेरी फैमिली के ऊपर पड़ी है, कहीं समाजवादी पार्टी को समर्थन करने के चक्कर पर एक आध रेड और ना पड़ जाए। तो कुछ इस तरह से अमिताभ बच्चन को सफाई देनी पड़ी।